यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यूपी स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट के बारे में और भी पहले वीडियो बनाई थी, और दोस्तों अब जो एक न्यू अपडेट आया है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो अपडेट है, जिन्होंने दोस्तों 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया था यूपी स्कॉलरशिप का, उनके लिए दोस्तों अलग करेक्शन डेट है। उनके लिए जो करेक्शन डेट है वो है दोस्तों 13 से 22 दिसंबर तक। मतलब आप 13 से 22 दिसंबर तक अपना करेक्शन कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। और दोस्तों जिन्होंने 16 से 26 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किया था तो उनके लिए अलग करेक्शन डेट है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर। इस पर आपको दो लाइन मिलेंगी और ऊपर वाली लाइन में लिखा है 22 अक्टूबर 2018 तक संस्था में अग्रसारित कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षा के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की समय विधि 13 दिसंबर 2018 से 22 दिसंबर 2018 तक है। तो दोस्तों यही करेक्शन डेट है जिन्होंने 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो देखा दोस्तों आपने यूपी स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट क्या है, तो अब आपको पता चल गई होगी। ये जो दोस्तों 22 अक्टूबर था ये थी अग्रसारित करने की तिथि। मतलब जिन्होंने 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके फॉर्म को 22 अक्टूबर तक फॉरवर्ड किया गया था संस्था द्वारा। तो यदि आपको 16 से 26 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों की करेक्शन डेट जाननी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहिए यूपी स्कॉलरशिप के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, मैं आप सभी की कमेंट पढ़ता हूँ। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।